महंगे शौक पूरे करने के लिए बैंक मैनेजर का बेटा लुटेरा बन गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग बनाया और दनादन लूट छिनौती की वारदात शुरू कर दी। शुक्रवार को पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को थर दबोचा। कौन से स्कूल में? एसएस कॉन्वेंट कमलनगर में। कौन सी क्लास में? 12th बताया। हाई स्कूल में कितने परसेंट थे? आगरा की थाना हरी पर्वत पुलिस ने शुक्रवार को शहर में मोबाइल और पर्स लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 6 बदमाशों को धर दबोचा। एसपी सिटी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि लुटेरे का यह गैंग अमन प्रकाश, चाहत और हर्ष ने बनाया था। यही इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी। 10-15 दिनों में इन्होंने लगातार लगभग रोज 1-2 घटना की है जो हम सबके संज्ञान में आ रही थी। लगातार ये गैंग पकड़ा गया है। 6 आदमी अरेस्ट हुए हैं और 2 फरार हुए हैं। 6 आदमी में से जो मुख्य इस गैंग के लीडर हैं उसका नाम है अली खान उर्फ चाहत, अमन प्रकाश, और हर्ष गुप्ता। ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं मोटरसाइकिल की चोरी में 307 के मुकदमे में, और लगभग 15 घटनाएं इन्होंने स्वीकार की हैं। रिकवरी जो इसमें हुई है, कुल 8 मामलों के मोबाइल हमें बरामद हुए हैं जो कई बार मोबाइल छिनैती के हैं, कई बार पर्स से निकले हुए मोबाइल हैं। कुछ वादियों ने इनको पहचान करके तस्दीक भी की है अपने सामान की। इस गैंग का मास्टरमाइंड अमन बताया जा रहा है, जिसके पिता SBI में संजय प्लेस ब्रांच में डिप्टी मैनेजर है। पुलिस का कहना है कि गैंग ने 1 जनवरी को सुल्तानगंज पुलिया पर लूट के प्रयास के दौरान गोली भी मारी थी। इसके बाद इसकी धरपकड़ तेज की गई। पुलिस का कहना है कि तीनों दोस्त चोरी किए गए मोबाइल बेचकर मिले पैसे और लूट की रकम से अपने महंगे महंगे शौक पूरे किया करते थे। बीते 15 दिन में इन्होंने 20 से ज्यादा वारदात को अंजाम दिया है। अभियुक्त हमारी गिरफ्त में है और 2 जो इसके सदस्य हैं गैंग के वो अभी फरार चल रहे हैं, जल्दी हमारी गिरफ्त में आएंगे। इस गैंग से पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि लगभग 15 दिनों से ये अपने काम में लगे हुए थे और 15 से 20 के करीब इन्होंने घटनाएं स्वीकार की हैं। फिलहाल तो हम इन्हें जेल भेज रहे हैं, लेकिन जल्दी ही इन्हें रिमांड पर लेके अन्य मामलों के बारे में पूछताछ करेंगे और रिकवरी करेंगे। अभी जो इसे रिकवरी हो पाई है वो 8 घटनाओं में जो 8 मोबाइल गए थे, छीने गए थे, वो हमने मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, 2 घड़ियां बरामद की हैं, कुछ पैन कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं जो पर्स में थे उन्हें बरामद किया गया है, लगभग 5,000 रुपये नगद इनसे मिले हैं, और घटनाओं में जो प्रयुक्त हो रही थी वो एक ग्रे रंग की अपाचे है और काले रंग की पल्सर है। ये जो गैंग है सिल्वर गैंग है या कुछ नए लड़के इसमें शामिल हैं? स्टूडेंट है सर ये लोग। बिल्कुल नए लड़के हैं और जहाँ तक पढ़ने वाले लड़के हैं, और इन्होंने अभी अभी ये नया अपने शौक बस शुरू किया था, और आपराधिक इतिहास ज्यादातर का नहीं है, केवल 3 अभियुक्त हैं। पुलिस ने लुटेरों के पास से कई मोबाइल बरामद किए हैं। लूट के बाद ये गैंग जवाहर पुल के नीचे हिस्से में पार्टी मनाता था। वारदात करने के बाद ये यहीं छिपते भी थे, लेकिन पुलिस ने दबिश देकर महज 15 दिन में ही इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। आशीष शर्मा के साथ मनीष शर्मा, अमर उजाला TV, आगरा।